नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सो आज की इस वीडियो में अपन DU MSc मैथ्स एंट्रेंस 2020 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। इस पेपर में जो है रिंग थ्योरी व फील्ड थ्योरी के क्वेश्चन है। इससे पहले 2020 में अपन को पता है टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो लगभग 40 क्वेश्चन मैं पहले ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। आज के इस वीडियो में टोटल 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी के मिक्सअप है। जैसे डायरेक्ट तो फील्ड थ्योरी से क्वेश्चन नहीं है, पर रिंग थ्योरी के कॉन्सेप्ट डायरेक्ट है, उनमें फील्ड थ्योरी का यूज करा गया है। तो ये 3 करने के बाद आपको 50 में से लगभग 43-44 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और अगर आप 25 भी कर देते हैं तो आप अच्छी रैंक ला सकते हैं। इसका मतलब ये कि आपको मोर देन सफिशियंट मैटर मिल रहा है, जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। उससे ज़्यादा क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, और आपको प्रीवियस ईयर की पेपर या PDF किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप यहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल है वो एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब इस वीडियो की बात करने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। वो चीज़ें ये हैं कि जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग कमेंट करके बार बार यही बोल रहे हैं कि सर रिंग थ्योरी के नोट्स, रिंग थ्योरी के शॉर्ट नोट्स। तो रिंग थ्योरी का मेरा ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले रिंग थ्योरी में अपन CU CET का पेपर था, एक CU CET 2020 का पेपर था, उसमें कुछ चीज़ें थी जो कि कॉन्सेप्चुअल थी। वहाँ पे अपन ने प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, इनकी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, इंटीग्रल डोमेन, ये सब देखा था। तो इन सब कॉन्सेप्ट के लिए तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। और यहाँ के जो वीडियो में अपन यहाँ पे ऐसे नहीं कि 3 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अपन ये भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे इसके पीछे यूज। जैसे यहाँ पे अपन को इरिड्यूसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज होता है, अपन पहले चेक करेंगे कि इरिड्यूसिबल पॉलीनोमियल क्या होता है। यहाँ पे इक्लूडियन डोमेन है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, UFD है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, ये सब क्या होते हैं और कौन सा पॉलीनोमियल कब इरिड्यूसिबल होगा, ये सब कॉन्सेप्ट है तो वो देखेंगे। तो मेन मोटिव ये नहीं कि आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मेन मोटिव ये कि इन 3 क्वेश्चन के पीछे लगने वाली जो थ्योरी है वो भी अपन देखेंगे, ताकि आपको आगे भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मेरे पास जो कंप्लीट शॉर्ट नोट्स नहीं है, पर मैंने जो रिंग और फील्ड के जो मिक्स शॉर्ट नोट है वो बना रखे हैं, तो वो डाल दूंगा मैं आपके लिए। पर इसके लिए आपका रिस्पॉन्स अच्छा जरूरी है, तो वो आता है तो वो डाल दिए जाएंगे। और अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा देंगे तो मैं क्या करूँगा कि आपको रिंग थ्योरी के क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगा पीछे के, जो पेपर और सॉल्व कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहले अपन अब आज की इस वीडियो के क्वेश्चन और इनके जो कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला ही क्वेश्चन था वो क्या पूछा गया था यहाँ पे, मतलब पेपर का तो लास्ट क्वेश्चन 3 ये थे, पर रिंग थ्योरी का पहला था कि लेट R = AB ए 2×2 की मैट्रिक्स का सेट है, और जहाँ पे उनकी एंट्री कहाँ से, ए और बी किससे आ रही है, जेड से आ रही है इंटीजर, बी ए रिंग, ये एक रिंग बनाती है। इसने पहले बता दी कि एक रिंग बनाती है और उसकी जो एंट्रीज हैं वो सारी की सारी जेड से हैं। एफ कोई फंक्शन है आर से जेड पे, वो किस प्रकार से डिफाइन करता है। अब यहाँ पे देखो, तो इसने फाई लिख दिया गलती से, या तो इसको फाई बोल दो या इसको, तो यहाँ पे अपन नीचे ऑप्शन में फाई दे रखा है, इसका मतलब ये एफ नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये फाई लिखा हुआ है। फाई फ्रॉम R to Z बी गिवन बाई फाई ऑफ AB BA = A - B, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ध्यान रखना यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा, कि सबसे पहले देखो कि यहाँ करेक्ट तो फाई इज रिंग होल, फिर तुम टिक मार दो, ऐसा नहीं करना है। आपको एक सेट R दिया गया है, उसमें वो सारी मैट्रिक्स हैं जो 2×2 की मैट्रिक्स हैं, और उनकी एंट्री इस प्रकार से है कि उनके डायगनल और ये जो एंटी डायगनल है ये ए और बी, ये कहाँ से हैं, जेड से हैं, और फाई है वो आर स्टेट पर। रिंग होमोमॉर्फिज्म जो क्या करता है कि ए और बी को क्या कर देता है, ए माइनस बी से डिफाइन कर देता है। तो अपने को पूछा कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सबसे पहले रिंग होमोमॉर्फिज्म बोल रहे हैं, कर्नल फाई इज प्राइम आइडियल बट नॉट मैक्सिमल, कर्नल फाई इज मैक्सिमल और फाई इज सब्जेक्टिव। तो पहली बात तो प्राइम मैक्सिमल की बात हो रही है और रिंग होमोमॉर्फिज्म की बात हो रही है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होती है, कर्नल का क्या चक्कर होता है। तो देखो अपन इसमें 3 चीज़ें यूज करेंगे। 3 चीज़ें क्या है कि आपको पहली बात तो पता होनी चाहिए कि फाई अगर आर से आर पे रिंग होमोमॉर्फिज्म होती है तो फाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाई एक्स प्लस फाई वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू, एक प्रॉपर्टी होल्ड करता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये बोलता है कि फाई एक्स वाई इक्वल टू फाई एक्स फाई वाई होता था, अपन फाई को क्या बोलते हैं कि वो कैसी है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो अपन यहाँ पे रिंग होमोमॉर्फिज्म के लिए इस प्रॉपर्टी को चेक कर लेंगे। दूसरी बात, अगर कोई रिंग आर कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है और आई उसकी कोई भी आइडियल है, तो R बाई आई इज इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ आई इज प्राइम आइडियल, डायरेक्ट रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आपको पता होना चाहिए कि अगर R बाई आई अपना इंटीग्रल डोमेन है तो I क्या होगा, उसकी मतलब प्राइम आइडियल होगी, ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट होता है। और अगर R बाई आई फील्ड है और इफ एंड ओनली तो I कैसे बन जाएगी, मैक्सिमल है। अगर I मैक्सिमल है तो R बाई आई फील्ड बन जाएगा, और R बाई आई अगर फील्ड है तो I मैक्सिमल बन जाएगा। तो ये 2 प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। और एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या बोलती है, अगर फाई आर से एस पे अगर कोई ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, देन आर अपॉन कर्नल फाई हमेशा एस का आइसोमॉर्फिक होगा। वरना अपन ऐसे बोलते हैं कि अगर एफ अपनी आर से एस पे कोई रिंग होमोमॉर्फिज्म है या ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, तो अपन ऐसे बोलते हैं कि जो एफ आर अपॉन कर्नल एफ है वो आइसोमॉर्फिक हो जाता है इमेज एफ के, क्योंकि इमेज एफ से तो फंक्शन कैसा बनेगा, ऑन टू बनेगा। यहाँ पे अपन को अगर पता है कि एस पे ऑन टू है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, को डोमेन, यानी कि जो रेंज होती है ना वो रेंज सेट आगे आएगा, और R अपॉन कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक। और कर्नल फाई हमेशा क्या बनाती है, आइडियल बनती है R की, कर्नल फाई हमेशा आइडियल बनती है।
तो इन तीन चीज़ों का यूज करेंगे अपन इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहली बात करते हैं अपन कि फायरिंग होम ऑर्फिज्म है कि नहीं। तो रिंग होम ऑर्फिज्म के लिए अपन चेक कर लेंगे, 5x + y = 5x + 5y आना चाहिए, तो अपन पता लग जाएगा कि रिंग होम ऑर्फिज्म है, वरना इसके रिंग होम ऑर्फिज्म नहीं है। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, अभी चेक करते हैं। तो अपन ने कोई दो एलिमेंट एक अक्ष ले लिया मैंने, a1 b1 टाइप से, तो मेरा क्या हो गया, अक्ष हो गया। एक मैं एलिमेंट ले लेता हूँ y ले लिया मैंने, a2 b2 b2 a2। अब मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, मुझे 5x + y चेक करना पड़ेगा, 5x + y। तो पहले x + y निकालूंगा तो करस्पॉन्डिंग एंट्री ऐड हो जाएगी, यानी कि फाइव ऑफ क्या बन जाएगा, a1 + a2 और b1 + b2, और इधर वापस से b1 + b2 और इधर a1 + a2। अब इसका फाइव निकालूँ तो फाइव क्या करता है, अगर इस प्रकार की मैट्रिक्स होती तो a - b कर देते हैं, यानी कि अब यानी कि a1 + a2 माइनस का b1 + b2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a1 - b1 और प्लस a2 - b2। अब आप देखो ज़रा, इस पे अगर आप फाइव लगाओगे, यानी कि फाइव ऑफ a1 b1 b1 a1 की वैल्यू क्या आएगी, a1 - b1 ही तो आएगी। और इसी प्रकार से अगर आप इसकी निकालोगे तो 5y निकालोगे तो वो क्या आएगी, a2 - b2 ही तो आएगी। तो ये क्या बन गया, इज इक्वल टू 5x + 5y, और ये क्या था, 5x + y। तो मतलब एक प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होगी, 5x + y = 5x + 5y आ गया। अब अपन को ये शो करना है कि 5xy = 5x * 5y आ जाएगा, तो अपन बोल देंगे 5 कैसे रिंग होगा, फिर इसको और चेक करते हैं। इसके लिए अपन वही दोनों एलिमेंट a1 b1 ये वाले लग सकते हैं। तो पहले अपन क्या निकालेंगे, 5xy निकालेंगे, 5xy बोलने का मतलब x * y है, सॉरी अपन को 5xy निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, 5xy इसी चीज कुछ क्या बन जाएगा, 5 ऑफ दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि a1 b1 b1 a1 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करना किससे, a2 b2 b2 a2। अब इसको मल्टीप्लाई करो, फिर उसकी 5 करस्पॉन्डिंग इमेज लो, तो ये क्या बनेगा, देखो तो a1 b1 इससे मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा ये a1 a2 + b1 b2, फ्रेश एंट्री तो आ गई, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा a1 b2 + b1 a2 आ गया। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो b1 a2 + a1 b2 आ गया, और ये वाली मल्टीप्लाई हो जाएगी तो b1 b2 + a1 a2। ये तो क्या आ गया अपनी, 5xy आ गया। अब अपन को 5x * 5y निकाल के और चेक कर लो, तो 5x * 5y और निकाल के चेक करना है, तो फिर पता लग जाएगा कि ये सेम है या नहीं है। तो अब देखो जरा एक बार इसको अपन कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, हाँ सॉरी, ये तो अपन को मल्टीप्लाई करा है, अभी अपन को क्या निकालना, 5 निकालना है, इस पर इमेज 5 भी तो लेना है, क्योंकि तो अभी अपन इसको अंदर वाली, अब 5 निकाले तो 5 क्या करता है, यानी कि अगर 5 अपन ऐसा करता है कि 5 अगर a b a टाइप की कोई मैट्रिक्स है तो उसको क्या कर देता है, ये a - b कर। आप देख सकते हैं कि ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री सेम है, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री सेम है, तो इसमें से इसको हटा दो, यानी इसी इक्वल टू क्या जाएगा, a1 a2 + b1 b2 - a1 b2 + b1 a2। ठीक है, अब जरा इन दोनों में से देखो जरा, आप a1 कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा, ये a2 - b2 बन गया, प्लस इसमें b1 b2, और ये अगर यहाँ पे आप b1 कॉमन ले लेते हो तो ये क्या बनेगा, b2 - a2 बनेगा, पर यहाँ पे मैं माइनस ले आता हूँ तो ये बन जाएगा -b1 a2 - b2 बन जाएगा। अब a2 - b2 कॉमन ले लेंगे तो a2 - b2, और यहाँ पे क्या बन गया, a1 - b1, यानी कि ये क्या आ गया, a1 - b1 * a2 - b2। इसका मतलब क्या हुआ कि 5xy था, और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 5x बोल सकता हूँ, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 5y बोल सकता हूँ। दिस इम्प्लाइज क्या हो गया कि 5xy = क्या आ गया, 5x * 5y। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई, रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो मतलब 5 क्या करता है, रिंग होमोमॉर्फिज्म की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि 5x + y = 5x + 5y और 5xy = 5x * 5xy। तो ये रिंग होमोमॉर्फिज्म तो हो गया, जैसे रिंग होमोमॉर्फिज्म हो गया तो फर्स्ट ऑप्शन कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अपन को पूछा इनकरेक्ट बताना है। दूसरा बोलता है कर्नल फाइव इज प्राइम आइडियल बट नॉट मैक्सिमल, कर्नल फाइव इज मैक्सिमल। फोर्थ बोलता है फाइव इज सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव को चेक करो, सब्जेक्टिव तो आप देखते ही बता देंगे कि सब्जेक्टिव है, कैसे है, देखो सब्जेक्टिव कैसे है, ये सब्जेक्टिव ये ऐसे है भाई कि बोलता है कि फाइव आर से जेड पे फाइव ए बी बी एम इक्वल टू ए माइनस का बी दे रखा है, और फाइव है कहाँ से, फाइव अपना है आर से जेड पे। तो आप ये सोच के देखो, ऑन सब्जेक्टिव या ऑन टू बोलने का मतलब कि जेड की हर एलिमेंट की प्री इमेज मिलनी चाहिए, पर फाई अप्लाई कहाँ पे हो रहा है, फाई अप्लाई हो रहा है इस प्रकार की मैट्रिक्स से, और जहाँ पे ए और बी किस कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, जेड से बिलोंग कर रहे हैं, लिखा हुआ है साफ साफ। ये तो साफ साफ ही दिख रहा है कि अगर आप मान लो सपोज बी को जीरो ले लो, क्योंकि जेड में जीरो तो आता है, तो क्या बनेगा ये, फाई ऑफ ए
जीरो जीरो ए यानी कि स्केलर मैट्रिक्स बन गई, और ए बिलोंग टू क्या आ रहा है, जेड आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ए ले रहे हो जेड से, वापस आपको क्या मिलेगा, पूरा जेड ही तो मिलेगा। इसका मतलब फाई कैसे होगी, ऑन टू होमोमोर्फिज्म। कहने का मतलब ये कि फाई कैसी है, ऑन टू, कैसे पता चला कि फाई ऑन टू है। इसका पता अपन को ऐसे पता लगा कि जैसे फाई है वो कहाँ से कर रहा है, ए बी बी ए से ए माइनस बी पे, जब आप बी जीरो ले लो सपोज दैट अपन को, और आर से जेड पे दे रखा है अपन को, जेड के हर एलिमेंट की प्री इमेज चाहिए। जैसे आप बी जीरो ले लोगे तो आप ऐसा ए मिल जाएगा कि ए जीरो जीरो ए, वो क्या देगा, ए देगा। और ए किस में जा रहा है, जेड में, और ए आ भी कहाँ से रहा है, जेड में, तो पूरा पूरा जेड ही आ जाएगा। और जैसे पूरा पूरा जेड आ जाएगा तो फाई कैसे बन गई, फाई इज ऑन टू बन गई। अभी अपने दो चीज़ें प्रूफ कर दी, फाई ऑन टू बन गई और फाई कैसी है, रिंग होमोमोर्फिज्म। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है और थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। एक तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है और फर्स्ट ऑप्शन। अब बोलते हैं कर्नल फाई इज प्राइम आइडियल और नॉट मैक्सिमल, मैक्सिमल है प्राइम, ये और चेक कर लेते हैं। इसके लिए अपन इसका यूज कर लेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म। ऐसे बोलते हैं कि फाई आर से एस पे अगर ऑन टू है तो आर अपन कर्नल फाई किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, एस के हो जाएगा। इसका मतलब अब यहाँ पे अपने केस में क्या है, आर से जेड पे है, और अब अपन ने यह प्रूफ कर दिया कि ऑन टू भी है, तो क्या हो जाएगा, आर अपन कर्नल फाई आइसोमॉर्फिक टू जेड हो जाएगा ना। यानी कि यहाँ से अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अपनी फाई है वो आर से जेड पे है, और अपन ने बता दिया कि रिंग होमोमोर्फिज्म है और प्लस ऑन टू भी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर अपॉन कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू जेड आ गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने को यहाँ से मिल गया कि आर अपॉन कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू जेड। और अपन जानते हैं, वी नो दैट जेड इज इंटीग्रल डोमेन बट नॉट फील्ड, जेड इंटीग्रल डोमेन तो है बट नॉट फील्ड। और अपन ने अभी देखा था अगर इंटीग्रल डोमेन होता है, अगर आर बाई आई है वो अगर इंटीग्रल डोमेन है तो आई कैसा बनेगा, प्राइम बनेगा। अगर आर बाई आई अपना कैसा है, फील्ड है, तो आई कैसा बनेगा, मैक्सिमल बनेगा। तो यहाँ पे जेड कैसा है, इंटीग्रल डोमेन है, जैसे जेड इंटीग्रल डोमेन है तो कर्नल फाई क्या बन जाएगा, कर्नल फाई इज प्राइम आइडियल बट नॉट मैक्सिमल। इसका मतलब यहाँ से अपन को ये पता लग गया कि जो कर्नल फाई है वो कैसा है, प्राइम है बट नॉट मैक्सिमल। तो सेकंड ऑप्शन से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अपन इसमें कैसे क्या करा है क्या नहीं करा है। इसका सेकंड आंसर वो क्या है, करेक्ट, कर्नल फाई कैसी है, और ये भी करेक्ट है, कर्नल फाई इज प्राइम है बट नॉट मैक्सिमल। आपने पूछा इनकरेक्ट, तो उसका थर्ड ऑप्शन आएगा इसके सामने कि मैक्सिमल, कर्नल फाई इज मैक्सिमल, मैक्सिमल नहीं है। मैक्सिमल तब होता है जब जेड कैसा होता, फील्ड होता, पर जेड अपन को पता है फील्ड नहीं होता, क्योंकि अपन जानते हैं कि आर बाई आई इज इंटीग्रल डोमेन देन आई इज प्राइम, और आर बाई आई इज फील्ड देन आई इज मैक्सिमल। यहाँ से अपन को पता है जेड कैसा है, इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ है, तो कर्नल फाई कैसा बनेगा, प्राइम बनेगा बट मैक्सिमल नहीं बन पाएगा। इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, कर्नल फाई इज प्राइम बट नॉट मैक्सिमल, ये भी करेक्ट हो गया। फाई रिंग होमोमोर्फिज्म ये भी करेक्ट हो गया, फाई सब्जेक्टिव यानी ऑन टू ये भी करेक्ट, पर आपने पूछा इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि कर्नल फाई इज मैक्सिमल। तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। वैसे थर्ड इनकरेक्ट है, पर अपने को पूछा है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा, वो थर्ड ऑप्शन अपने को चूज करना था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया, पर इसमें क्या है कि थोड़ा सा आपको जानकारी वो मिल गई कि इसमें कैसे कर्नल फाई का यूज करा अपन ने, बाकी सब कॉन्सेप्ट भी आपको पता लग गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिजल्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। आगे पूछा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये पॉलीनोमियल इज इरिड्यूसिबल ओवर ए फील्ड एफ, एक फील्ड के इफ इट हैज नो जीरो इन एफ। अब देखो ऐसे बोलता है कि कोई पॉलीनोमियल है वो इरिड्यूसिबल तभी होगा जब इट हैज नो जीरो, यानी कि इफ इट हैज नो जीरो, अगर एफ कोई फील्ड दे रखा है, कोई पॉलीनोमियल जैसे सपोज दैट एफ एक्स है वो बिलोंग्स टू जेड एक्स, मतलब सॉरी कैपिटल एफ एक्स है, तो एफ एक्स इरिड्यूसिबल तभी हो पाएगा जब एफ के पास कोई जीरो नहीं हो, पहला ऑप्शन तो ये बोलता है। दूसरा बोलता है कि लेट एफ एक्स बिलोंग टू जेड एक्स, ये कोई पॉलीनोमियल रिंग है जेड एक्स और एफ एक्स इसका कोई पॉलीनोमियल है। इफ एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू देन इट इज इज रिड्यूसिबल ओवर क्यू देन इट इज रिड्यूसिबल ओवर, यानी कि क्यू में रिड्यूस हो गया तो जेड में भी रिड्यूस हो जाएगा। सी बोलता है कि फॉर एनी प्राइम पी द पॉलीनोमियल एक्स की पावर पी माइनस वन प्लस एक्स की पावर पी माइनस टू अप टू वन इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू। अब देखो मैं पहली बात तो आपको ये बताता हूँ कि इरिड्यूसिबल पॉलीनोमियल क्या होता है और रिड्यूसिबल पॉलीनोमियल क्या होता है, और फिर एक अपन चेक करते हैं कि इरिड्यूसिबल है कि नहीं। इसके लिए अपन बोलते हैं आइंस्टाइन रिड्यूसिबल क्राइटेरिया, और कुछ डायरेक्ट रिजल्ट है वो देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन के अपन चलते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि इरिड्यूसिबल पॉलीनोमियल क्या होता है, इरिड्यूसिबल पॉलीनोमियल बोलने का मतलब ये है कि कोई आर तुम्हारी कोई इंटीग्रल डोमेन है, सपोज दैट कि आर इज एन इंटीग्रल डोमेन, और आपने एक नॉन जीरो नॉन यूनिट पॉलीनोमियल लिया कोई एफ एक्स है, उसको अपन इरिड्यूसिबल तभी बोल पाएंगे अगर आपने एफ एक्स के टुकड़े करिए जी एक्स इंटू एच एक्स कर दिया सपोज दैट आपने, तो क्या होगा, या तो जी एक्स यूनिट होगा या एच एक्स यूनिट होगा, और जी एक्स और आर एक्स एच एक्स से आर एक्स, आर एक्स से बोलने का मतलब है कि जी एक्स अपन अपना मानो सपोज दैट ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स टाइप ऑफ पॉलीनोमियल था ना, जिसे कोफिशिएंट है ए जीरो ए वन टू, जैसे ए आई बिलोंग्स टू क्या होगा आर होगा। तो एफ एक्स अगर अपना टुकड़े में थोड़ा जी एक्स इंटू एच एक्स,
तो क्या होगा, या तो जी एक्स यूनिट होगा या एच एक्स यूनिट होगा, यानी कि या तो जी एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या एच एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तभी आप क्या कहलाओगे कि जो पॉलीनोमियल है वो कैसा है, इरिड्यूसिबल पॉलीनोमियल है। वरना अपन ऐसे नहीं बोल सकते पॉलीनोमियल इरिड्यूसिबल है, यानी कि अगर एफ एक्स इक्वल टू अगर जी एक्स इंटू एच एक्स अगर आपने फैक्टर कर दिए तो वो फैक्टर कैसे होने चाहिए, यूनिट होने चाहिए, यूनिट होने चाहिए, यूनिट होने बाद उसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, वरना वो पॉलीनोमियल कैसा नहीं होगा, इरिड्यूसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये तो बात होगी इरिड्यूसिबल पॉलीनोमियल की। अब इस पे बेस्ड रिजल्ट ये है कि आइंस्टीन इन इरिड्यूसिबल क्राइटेरिया ये बोलता है कि अगर कोई पॉलीनोमियल एफ एक्स इक्वल टू ए जीरो ए वन, ये आइंस्टीन इरिड्यूसिबल क्राइटेरिया है कि अगर ए जीरो ए वन एक्स ए टू इस टाइप का कोई पॉलीनोमियल है जहाँ पे सारे के सारे ए आई कहाँ से आ रहे हैं, इंटीजर हैं, जेड से आ रहे हैं, इफ देर एग्जिस्ट, तब क्या होगा, एक प्राइम नंबर पी एग्जिस्ट करे सच दैट कि पी क्या करे, इसके सारे कोफिशियंट ना ए जीरो ए वन ए टू ए एन माइनस वन तक इन सबको क्या करे, डिवाइड कर दे। पर p क्या करे, x की पावर n का जो कोफिशियंट उसको तो डिवाइड नहीं करे, और p स्क्वायर है वो a जीरो को डिवाइड नहीं करे, तब अपन बोलेंगे p एफ एक्स कैसा है मेरा, इरिड्यूसिबल पॉलीनोमियल है ओवर q पे। अब ये है ना सफिशियंट कंडीशन, यानी कि ऐसा सेटिस्फाई होता है तो हमेशा इरिड्यूसिबल होगा, पर अगर ऐसा सेटिस्फाई नहीं होता है तो जरूरी नहीं है कि वो इरिड्यूसिबल हो। जैसे मान लो x प्लस वन इरिड्यूसिबल होता है पर इस प्रकार की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसका मतलब ये कैसी कंडीशन है, सफिशियंट कंडीशन है। सफिशियंट कंडीशन कौन सी, आइंस्टीन इरिड्यूसिबल क्राइटेरिया अपन क्या बोलते हैं, सफिशियंट कंडीशन क्या था कि कोई पॉलीनोमियल ए जीरो ए वन एक्स इस प्रकार से पॉलीनोमियल था, सारे कोफिशियंट कहाँ से आ रहे हैं, जेड से आ रहे हैं, देयर एग्जिस्ट प्राइम नंबर पी एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए कि जो ए जीरो ए वन टू ये जो कोफिशियंट है इनमें सबको डिवाइड करे पर ए एन को डिवाइड नहीं करे, और उसका स्क्वायर होता है वो फर्स्ट टर्म को डिवाइड नहीं करे, तब एफेक्ट कैसा होता है, इरिड्यूसिबल पॉलीनोमियल होता है, दूसरा रिजल्ट हो गया। अब अपन ऐसे बोलते हैं कि अगर कोई पॉलीनोमियल एफेक्ट इस टाइप का हो जैसे वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अप टू एक्स की पावर पी माइनस वन पी माइनस वन, तो इस प्रकार के पॉलीनोमियल हमेशा इरिड्यूसिबल होता है ओवर क्यू बाय दिस रिजल्ट। आइंस्टीन इरिड्यूसिबल क्राइटेरिया को यूज करके अपन बता सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर पी माइनस वन कैसा होता है, इरिड्यूसिबल पॉलीनोमियल होता है। इस पर बेस्ट एग्जांपल वो मैं आपको शॉर्ट नोट्स में दे दूंगा, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं ये सारे नोट है ना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैंने एक ढंग से लिख रखे हैं तो आपको मिल जाएंगे। और अगर अल्टरनेटिंग साइन होना तब भी इरिड्यूसिबल हो जाता है ओवर क्यू पे, यानी कि वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स पावर फोर अप टू एक्स पावर में, इस प्रकार का पॉलीनोमियल तो वो भी क्या होता है, इरिड्यूसिबल क्राइटेरिया होता है। इसमें भी अपन किसका यूज करते हैं, आइंस्टीन इरिड्यूसिबिलिटी का क्राइटेरिया यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो आई होप आपको ये पता लगा होगा कि आइंस्टीन इरिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करते हैं और कैसे इसमें अपन ये जो वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस की पावर पी माइनस वन कैसा होता है, इरिड्यूसिबल हो जाता है। ठीक है, इतनी बात होगी। अब अपन ये जानते हैं कि कोई पॉलीनोमियल एफ एक्स है, अगर एफ कोई फील्ड है, एफ कोई फील्ड दे रखा है अपने को और एफ एक्स किसी एफ एक्स में है, तब अगर डिग्री ऑफ एफेक्ट अगर वन है तो एफेक्ट हमेशा कैसा होगा, इरिड्यूसिबल होगा। मतलब अगर एफेक्ट है वो किसी फील्ड एफ के करस्पॉन्डिंग पॉलीनोमियल एफेक्ट रिंग में है तो एफेक्ट हमेशा कैसा होगा, इरिड्यूसिबल होगा, हमेशा इरिड्यूसिबल होगा। कब, जब उसकी डिग्री कैसी हो, वन हो। अब देखो सपोज अगर एफेक्ट इक्वल टू एक्स प्लस टू कैसा है, इरिड्यूसिबल पॉलीनोमियल है ओवर आर। अब ऑप्शन पे चलते हैं, पहले इसके पहले पहला ऑप्शन ऐसे बोलता है कि ए पॉलीनोमियल इज इरिड्यूसिबल ओवर ओवर ए फील्ड एफ, यानी किसी फील्ड एफ के करस्पॉन्डिंग एक पॉलीनोमियल है वो कैसा है, इरिड्यूसिबल है इफ इट हैज नो जीरो, यानी इसके पास कोई जीरो नहीं होगा तभी होगा। पर आप देख सकते हैं कि अगर एफ एक्स इक्वल टू आप सपोज चूज करते हैं एक्स प्लस टू बिलोंग्स टू आर एक्स, ठीक है, पर आर मुझे पता है कि आर अपन को जानते हैं कि आर क्या होता है, रियल लाइन आर पे फील्ड होता है, आर फील्ड है, तो पॉलीनोमियल इरिड्यूसिबल है, बोलता है कि एक्स प्लस टू इरिड्यूसिबल होगा, इट हैज नो जीरो इन एफ, बट एक्स प्लस टू के पास जीरो कितना है, एक्स इक्वल टू माइनस का टू है और एक्स इक्वल टू माइनस का टू तो आर में बिलोंग करता है, इसका मतलब ये बात तो गलत होगी, इट हैज नो, इसके पास तो जीरो भी है और इरिड्यूसिबल भी है। जैसे आप मानो सपोज थ्री इंटू इलेवन प्लस एक्स ले लेते, यहाँ से बोल सकता हूँ कि मैं थ्री एक्स प्लस तैतीस ले लेते, या फिर मैंने तीन को बाहर ले लिया तो टुकड़े कर दिए, एफ एक्स इंटू जी एक्स कर दिया, तो एफ एक्स यूनिट होना चाहिए, जी एक्स होना चाहिए, तो मुझे पता है कि एफ मेरा कैसा है, फील्ड है, तो तीन का यूनिट एग्जिस्ट करेगा क्योंकि एवरी नॉन जीरो मल्टीप्लिकेटिव हैज इनवर्स, क्योंकि फील्ड है, फील्ड की डेफिनेशन ही होती है कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो थ्री का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वन बाई थ्री, तो वो तो किस में चला जाएगा, फील्ड में, तो बचेगा क्या, इलेवन प्लस एक्स, तो ये कैसा है, इरिड्यूसिबल, इसको आप तोड़ ही नहीं सकते, इलेवन प्लस एक्स को आप और तोड़ नहीं सकते, इसका मतलब ये बोलना गलत हो जाएगा कि ये पॉलीनोमियल इरिड्यूसिबल ओवर ए फील्ड एफ, इट हैज नो जीरो। ये देखो वन डिग्री के पॉलीनोमियल होते हैं उनके सबके जीरो किस में है, डिग्री वन के जो पॉलीनोमियल है उनके सबके जीरो जो जीरो है वो एफ में है, इसलिए वो सब कैसे नहीं है, इरिड्यूसिबल नहीं। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। अपन को पूछा कि तो फॉलोइंग स्टेटमेंट आज करेक्ट, पहला बोलता है ए एंड बी नहीं हो सकता, ए एंड सी नहीं हो सकता, बी एंड सी सोचेंगे, ए बी एंड सी ये भी, तो साफ साफ पता लगे इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी एंड सी, तो आपको इतना पता लग गया। अभी अपन ये जो बी वाला है ये डायरेक्ट रिजल्ट है कि कोई पॉलीनोमियल एफ एक्स बिलोंग टू जेड एक्स होता है, अगर एफ एक्स रिड्यूसिबल ओवर क्यू है देन एफ एक्स इज रिड्यूसिबल ओवर जेड, पर कन्वर्स ट्रू नहीं है और इरिड्यूसिबल का भी ट्रू नहीं है, वो मैं आपको शॉर्ट नोट्स में एग्जांपल में पता लग जाएगा कि कैसे कौन सा ट्रू है कौन सा ट्रू नहीं है। थर्ड वाला बोलता है
कि फॉर एनी प्राइम पी पॉलिनोमियल एक्स की पावर पी माइनस वन एक्स की पावर, ये कैसे हो जाएगा? आइंस्टीन इरिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ये इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो वहाँ पे आपको मैं नोट्स में बता दूंगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो क्या इसका रॉन्ग है और बी और सी कैसे इसके करेक्ट है, इसका मतलब थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या था, चीज़ों को समझने वाला था कि इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इरिड्यूसिबल के बाद बात आती है कि आइंस्टीन इरिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और इस पे बेस्ड कुछ रिजल्ट हैं उनकी सहायता से अपन कैसे प्रूफ करते हैं। अपन ऐसे प्रूफ कर देते हैं जैसे एफ ए एक्स एफ एक्स माइनस का ए है, यानी ऊपर नीचे ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो अगर आपको इन एफ एक्स प्लस ए एफ एक्स माइनस इनका यूज करके ही अपन आइंस्टीन इरिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया की सहायता से बताते हैं कि दोनों पॉलिनोमियल कैसे इरिड्यूसिबल है। तो आई होप आपको ये भी पता लगा होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को करा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूक्लिडियन डोमेन। अब देखो यहाँ पे दो तीन चीज़ें जो आपको ध्यान होनी चाहिए, वो चीज़ें अगर f आपका फील्ड है और एफ एक्स कोई इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। f कैसा है, कोई फील्ड है, कैपिटल f फील्ड है और स्मॉल एफ एक्स किसी पॉलिनोमियल कैसा है, इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। ओवर f इफ एंड ओनली एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, ये क्या बनेगा, फील्ड होगा। इफ एंड ओनली रिजल्ट अगर इरिड्यूसिबल हो जाता है तो ये फील्ड बन जाएगा, और अगर ये फील्ड है तो पॉलिनोमियल कैसा हो जाएगा, इरिड्यूसिबल हो जाएगा। एक बात, दूसरी बात ऐसे बोली जाती है कि अगर यूक्लिडियन डोमेन है तो वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगा, और प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है तो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होगा। अब देखो मैं आपको यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन के अपन को यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसकी डेफिनेशन मैं नहीं बता रहा। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बोलने का मतलब ये है कि उसकी हर आइडियल कैसे होनी चाहिए, सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जानी चाहिए। और प्रिंसिपल आइडियल बोलने का मतलब ही यही होता है कि कोई आइडियल जैसे आप आई ले रहे हो तो वो किसी सिंगल एलिमेंट ए से ही जनरेट होनी चाहिए। जैसे सपोज दैट जेड है, तो जेड की हर आइडियल क्या होती है, सिंगल एलिमेंट से जनरेट होती है। तो जेड कैसा होता है, जेड इज पी आई डी होता है। अब अपन को पूछा कि अपन जानते हैं अगर यूक्लिडियन डोमेन होगा तो पी आई डी होगा तो यू एफ डी होगा, पर इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। यानी कि अगर मान लो यू एफ डी नहीं है तो पी आई डी हो जाएगा, तो यू एफ डी नहीं है तो उसका मतलब पी आई डी भी नहीं है, पी आई डी नहीं है तो ई डी भी नहीं है, कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, अब आगे बोलते हैं कि एफ इज फील्ड होता है तो एफ ई डी भी बनता है, वो अगर एफ फील्ड होता है तो एफ एक्स भी यूक्लिडियन डोमेन बन जाता है। ई डी बोलने का मतलब यूक्लिडियन डोमेन। अब अपन चलते हैं इसके ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन बोलता है क्यू एक्स अपॉन, ये देखो पहला ऑप्शन इस टाइप से है, क्यू एक्स अपॉन पॉलिनोमियल दे रखा है आपको एक्स क्यूब माइनस का टू। तो आप सोच सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस का टू ये फैक्टर नहीं हो सकते और क्यू में, अगर आप सोचेंगे एक्स माइनस की टू की पावर वन बाई थ्री, तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल आएगा तो ये एफ एक्स इंटू जी एक्स टाइप का आएगा। ठीक है, ना तो एफ एक्स यूनिट है किसमें, क्यू एक्स में, और ना ही जी एक्स यूनिट है क्यू एक्स में। इसका मतलब आप एक्स क्यूब माइनस का टू के टुकड़े नहीं कर सकते, अगर टुकड़े करते हो तो यूनिट नहीं होते, यूनिट नहीं होते इसका मतलब एक्स माइनस क्यूब टू क्या हो जाएगा, ये इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल हो गया। जैसे ये इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल कहाँ पे हो जाएगा, ओवर क्यू हो जाएगा, तो अपन यहाँ से ही बोल देंगे कि अगर कोई पॉलिनोमियल है वो इरिड्यूसिबल है तो एफ एक्स अपन एफ एक्स क्या बन जाएगा, फील्ड बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस का टू क्या बन जाएगा, ये फील्ड बन जाएगा। और जैसे ये फील्ड बन जाएगा तो अपन ने अभी रिजल्ट देखा था, अगर एफ इज फील्ड देन एफ इज ई डी, तो ये क्या बन जाएगा, ई डी। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, ई डी बन जाएगा। इसका ऑप्शन कैसा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन का क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो आई होप आपको ये समझ आएगी फर्स्ट ऑप्शन कैसे इसका करेक्ट हुआ, क्योंकि एक्स क्यू माइनस का टू कैसा है, इरिड्यूसिबल है। अभी अपने पढ़ा कोई पॉलिनोमियल इरिड्यूसिबल होता है तो अगर एफ अपॉन दैट इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, फील्ड बन जाता है, और फील्ड बन जाता है अपन जानते हैं फील्ड होता है तो क्या होता है, यूक्लिडियन डोमेन होती है। अब बात करते हैं जेड एक्स की। ठीक है, अब देखो ई डी है कि नहीं, सपोज दैट जेड एक्स ई डी है, सपोज दैट जेड एक्स ई डी है। जैसे ही ई डी होगा तो अपन को क्या पता पड़ेगा, पी आई डी होगा, पी आई डी होगा तो क्या होगा, यू एफ डी होगा। अब अपन बात करते हैं पी आई डी की। पी आई डी बोलने का मतलब होता है कि हर आइडियल क्या हो जाती है, सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाती है। पर अपन जानते हैं कि दो कोमा एक्स है वो क्या है, कंटेंड इन जेड एक्स है, और कंटेंड एक्स इसमें दो कोमा एक्स में, ये सब है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जेड एक्स के पास एक आइडियल अपन को ऐसी मिल गई जो एम कोमा एक्स टाइप से, यानी कि दो एलिमेंट से जनरेट हो रही हो, तो वो प्रिंसिपल आइडियल नहीं है। प्रिंसिपल आइडियल नहीं है तो जेड एक्स कैसे नहीं है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं है। इसका मतलब थर्ड सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों, अपन को पता कौन सा यूक्लिडियन डोमेन, अगर माना अपन जेड एक्स यूक्लिडियन डोमेन है तो जेड एक्स पी आई डी भी होगा, पी आई डी होगा तो इसकी हर आइडियल सिंगल एलिमेंट से जनरेट होनी चाहिए। पर यहाँ पे अपन देखते हैं इसकी हर आइडियल सिंगल एलिमेंट से जनरेट नहीं है, इसका मतलब हमारा मानना कि जेड एक्स ई डी है वो कैसा है, गलत है, तो ये नहीं हो सकता। क्यू एक्स वाई, अब ये तो आपको नाम से पता चलता है कि क्यू एक्स वाई के अंदर इस टाइप की आइडियल होगी, तो कैसे होगी, एक्स वाई टाइप की। एक्स वाई टाइप की आइडियल कैसे होती है, दो एलिमेंट से जनरेट हो रही है एक्स और वाई से, तो ये कैसी बन जाएगी, दो एलिमेंट से जनरेट हो रही है, इसका मतलब प्रिंसिपल आइडियल नहीं है। सपोज अगर अपन मान के चलते क्यू एक्स वाई कैसा है, ई डी है, तो ई डी है तो ये क्या होना पड़ता है, पी आई डी होना पड़ता है। पी आई डी के लिए क्या होता है, हर एलिमेंट सिंगल एलिमेंट से जनरेट होना चाहिए आइडियल का, पर यहाँ पे तो एक्स और वाई दो से जनरेट होती है, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो वो सभी ऑफ द फॉलोइंग यूक्लिडियन डोमेन इज क्यू एक्स। आप ये रिजल्ट ध्यान रख लें कि अगर एफ अगर फील्ड होता है तो एफ ई डी भी होता है,
अगर एफ फिल्ड होता है तो एफ एक्स कैसा होता है, यूक्लिडियन डोमेन हो जाता है। और एक ये तो रामबाण इलिया जैसे बोल सकता हूँ कि इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, ई डी एम्प्लाइज पी आई डी एम्प्लाइज यू एफ डी, ये तो आपको हर टाइम याद होना चाहिए और ये वाला रिजल्ट भी याद होना चाहिए। सो आई होप आपको आइडिया लगा होगा कि कैसे क्वेश्चन आए थे इस पेपर में, कैसे आपको करने थे। तो इसमें बेसिक चीज़ें भी अपन ने देखी हैं, इरिड्यूसिबल क्राइटेरिया क्या होता है, कौन सा चीज़ें कहाँ से अपन को देखनी होती है, ये सब अपन ने भी यहाँ पे देखा है इसमें। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि कैसे अपन ने करा है। तो अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर पूछें, कोई भी डाउट किसी प्रकार का तो आप ज़रूर पूछें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।